हेलो दोस्तों, बायोलॉजी से जुड़े अब तक मैं आपके लिए दो पार्ट लेके आ चुका हूँ, साइंस पार्ट ए और साइंस पार्ट बी। सेम उसी तरह आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी से जुड़ा आपका साइंस का पार्ट थ्री। ये मेरा लास्ट पार्ट है बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, जिसमें आपके लिए मैं कुछ नए एग्जाम्स, नए इंस्टीट्यूट लेके आया हूँ, जिन्हें देखे आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं या एक अच्छे हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं जो आपको अच्छा प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का साइंस पार्ट सी। साइंस पार्ट सी, तो अब देखते हैं साइंस पार्ट सी में कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो नंबर 6, BSMS, बैचलर ऑफ साइंस मास्टर ऑफ साइंस, जो एक इंटीग्रेटेड डिग्री है जिसे 5 साल की मिलती है। इसके लिए आप दो एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहला नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा IISER, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं? या तो आपने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का एग्जाम दे रखा हो, या इसका खुद का एग्जाम होता है जो IIT के नाम से जाना जाता है, वो भी 12th परसेंटेज बेस्ड पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपको मिनिमम 76.9% आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए। ये अलग अलग बोर्ड के अलग अलग परसेंटेज हैं जो इसकी साइट पे दे रखे हैं। तो इस तरह आप बीए समझ करने के लिए ये दो एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7, BSc। BSc में मैं आपके लिए बहुत सारे ब्रांच लेके आया हूँ, वो इसलिए कि आप नॉर्मल BSc बिल्कुल मत कीजिए। तो इसमें आप कौन कौन सी कोर्स कर सकते हैं? BSc में आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, पॉलीमर साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, अलाइड हेल्थ साइंस, एनेस्थेसिया टेक्निक, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी के कम्बिनेशन के साथ। अब इन सब के लिए आप कौन कौन सा अच्छा एग्जाम दे सकते हैं? सबसे पहले आप दे सकते हैं IIC बेंगलुरु का, जो अपने आप में एक नौकरी होती है। फिर जिपमेर का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, CUC8 का, निमहांस का जो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जहाँ की डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, वनस्पति विद्यापीठ का, बीबी सेट का, CMSC वेल्लोर का, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का, SGPGI लखनऊ का, जामिया इस्लामिया का, BHU का, और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का। तो अगर आप बीएससी आप इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ करते हैं, वो भी ये एग्जाम देके, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका प्लेसमेंट 100% होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को आप 10th के बाद डायरेक्ट 11th में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 11th 12th आप बायोलॉजी के साथ करके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है ICER का AIEEE UG, और राजस्थान गवर्नमेंट का होता है JET एग्ज़ाम, जो आपको BSc करवाता है। इन ब्रांच में हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो इस तरह आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स्ट्रा एग्जाम्स, जो आप बायोलॉजी के साथ साथ दे सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला आता है ये BSc या BSMS। हालांकि मैंने आपको ये पहले बता रखा है, लेकिन BSc या BSMS करने के बाद आप कहाँ क्या कर सकते हैं? तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, MSc या MSc PhD कर सकते हैं, जिसके लिए आप JEEM एग्जाम दे सकते हैं, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, जो IIT लेता है। उसके बाद आप इसमें PhD में जा सकते हैं, जिसके लिए आप JEST एग्जाम दे सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इस तरह आप BSc या BSMS करके रिसर्च में भी आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप नो टीचर बनना चाहते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी को स्टूडेंट है और आपको डायरेक्ट टीचिंग करवानी है, तो आप बायोलॉजी 12th के बाद या 12th के साथ एग्जाम लगता है BSc BEd का और BA BEd का, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 4 साल का कोर्स है, आपको BEd 2 साल की नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आपकी BSc BEd हो जाती है, तो आप नेशनल लेवल का CTET का एग्ज़ाम, राजस्थान गवर्नमेंट का रीट का एग्ज़ाम,
या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम या सीएसआई नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट में एमए मांगते हैं, मतलब कि मास्टर डिग्री मांगते हैं, और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं। बीएससी बीएड आप चाहे तो बीएससी बीएड ना भी करें तो इसके अलावा आप बीएसटीसी भी कर सकते हैं, तो भी आप टीचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको डायरेक्ट जॉब करनी है, तो आप IGCAR का एग्ज़ाम दीजिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो आपको एज ए लेब असिस्टेंट की पोस्ट देता है। आप अगर बायोलॉजी को तो बायोलॉजी लेब असिस्टेंट, फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री लेब असिस्टेंट, ये अपने आप में नौकरी है जो 12th के बाद इसका एग्ज़ाम लगता है। फिर आता है डिफेंस में, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो डिफेंस में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको NDA का, NDA में भी सिर्फ आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स और नेवी के लिए सिर्फ मेथ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी में भी अलग से इंडिविजुअल में आप JCO या अदर रैंक में जा सकते हैं, या फिर एयरफोर्स का वाई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नेवी का SSR और AA ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों SSR और AA आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेथ सब्जेक्ट हो। जैसे कि मैंने मेरे साइंस पार्ट ए में बताया था कि आप बायोलॉजी के 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ को ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का ये फायदा हो सकते हैं कि आप नेवी में भी SSR या AR का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर NDA का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अब तक मेरे साइंस पार्ट ए, साइंस पार्ट बी और साइंस पार्ट सी में ये बताया कि आप 12th के साथ अगर बायोलॉजी की स्टूडेंट है तो आप 12th के साथ कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर किस फील्ड में जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 12th के साथ या फिर 10th के साथ ही जब आप बायोलॉजी लेने की आपकी इच्छा हो तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम दे जिससे आपको स्कॉलरशिप मिले, आपको पैसे मिले या अपनी फीस भर सकें। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होता है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एग्ज़ाम अपने आप में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके थ्रू आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नेस्ट या ISER या ISC बेंगलुरु में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, नेस्ट NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, हालांकि ये 10th क्लास में लगता है लेकिन अगर आप 10th क्लास में इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पर मंथ 500 रुपये मिलते हैं, वो भी PhD लेवल पर। फिर नेक्स्ट आता है STSC, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। ये हर स्टेट अपना खुद लेती है, राजस्थान में इसे राज्य पंडित दीनदयाल राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जो आपको 1250 रुपये पर महीने देता है पोस्ट ग्रेजुएट तक। फिर आता है नेक्स्ट NSTSE, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें आप अपना साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इग्नाइट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट प्रतियोगिता, जिसमें भी आप अपना साइंस से जुड़ा प्रोजेक्ट जमा करा सकते हैं। इनकी खास बात क्या है, अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो आपको नेशनल लेवल पे काफ़ी पैसे मिलते हैं, साथ ही आपका नाम भी होता है, या फिर आप अपनी 10th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास से ओलंपियाड भी खेल सकते हैं, या फिर आप NCC स्काउट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट आगे डिफेंस में जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना हो, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट A, B और C ये आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट देते हैं जो आपके NDA या नेवी या एयरफोर्स में काम आते हैं। तो इस तरह ये आप ये वाले एग्जाम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बायोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का साइंस पार्ट सी। अगर आपने मेरे बायोलॉजी से जुड़े हुए साइंस पार्ट ए और साइंस पार्ट बी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया है, आप वो देख सकते हैं। सबकी तरह लास्ट में फिर से मैं यही कहूँगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।